एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के वक्त हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। सबसे पहला पॉइंट है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। चाहे प्रोडक्शन हो चाहे प्रोडक्टिविटी हो, दोनों ही बहुत कम थे। प्रोडक्शन मतलब होता है टोटल कितना आउटपुट है, यानी आपने टोटल कितने किलो क्रॉप्स उगाए हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी एक हेक्टेयर लैंड पर, एक हेक्टेयर जगह पर आप कितना किलो क्रॉप्स उगा पा रहे हैं। तो दोनों कम थे इंडिपेंडेंस के वक्त, दोनों ही एक्सट्रीमली लो यानी कम थे। क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो वीट का मैंने एग्जांपल लिखा है। 1947 पे टोटल हम कितना उगा पा रहे थे, 660 किलो। एक हेक्टेयर की बात हो रही है, एक हेक्टेयर पे इतना उगा पा रहे थे, लेकिन 2016-17 में हम 3216 किलो उगा पा रहे थे। प्रोडक्शन की बात की जाए तो 1947 में 64 लाख टन उगा पा रहे थे, ठीक है। और अगर 2016 और 17 की बात की जाए तो 984 लाख टन उगा पा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिपेंडेंस ऑफ रेनफॉल, यानी जो एग्रीकल्चर था वो पूरी तरह बारिश पर डिपेंड था, हैवीली डिपेंडेंट यानी पूरी तरह से, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, जैसे कि वेल्स यानी कुएं वगैरह, डैम वगैरह, ये सब की बहुत कमी थी। बारिश अगर अच्छी हो जाती थी तो अच्छा आउटपुट हो जाता था, अच्छी भली खेती बाड़ी हो जाती थी अपनी। अगर बारिश नहीं हो पाती तो सारी फसलें खराब हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका क्या मतलब है कि अगर जो है क्रॉप्स किस लिए उगाते हैं फार्मर्स, अपनी बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली को पूरा करने के लिए, यानी अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए, उनके सिर्फ खाने पीने के लिए अगर क्रॉप्स उगाई जाएगी तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाएगी। सो उस वक्त क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे फार्मर्स जो थे वो किस लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, फॉर सेल्फ कंजप्शन, यानी सिर्फ खुद के और खुद की फैमिली के लिए जो है इतना ही क्रॉप्स उगा रहे थे, रादर देन सेलिंग टू अदर्स फॉर मनी। वो ऐसा नहीं सोच रहे थे कि हमें इस क्रॉप्स को और आगे बेचना चाहिए और उससे पैसे कमाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ सॉयल एंड टिलर्स ऑफ सॉयल। गल्फ मतलब होता है कि बहुत डिफरेंट थे ऑनर्स और टिलर्स, यानी जो जमींदार थे ऑनर्स थे और टिलर्स थे वो फार्मर्स थे। इन दोनों बिल्कुल अलग अलग थे, एक ही इंसान नहीं थे कि जिसकी जमीन है वही खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है। सो वही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। और इसमें क्या हो रहा था, जो ऑनर्स थे यानी जो जमींदार थे वो क्या कर रहे थे, सिर्फ आउटपुट शेयर करते थे, यानी जितनी भी फसल होती थी उसमें से अपना हिस्सा तो मांग लेते थे फार्मर्स से, ठीक है, बट डिड नॉट शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जितना भी खर्चा पानी आता था, जो बीज बीज बोते थे, वो मेहनत करते थे, वो शेयर नहीं करते थे पैसा, ठीक है। आउटपुट यानी फसल को तो मांग लेते थे, लेकिन जो खर्चा आता था उसमें कोई हिस्सा नहीं देते थे। ऑनर सिर्फ किस चीज में इंटरेस्टेड थे कि भाई उनकी रेंटल इनकम यानी उनको पैसा मिल जाए फार्मर से, उनकी मौज हो जाए, ठीक है। वो ये नहीं सोचते थे कि थोड़ा बहुत पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत पैसा लगाया जाए, बस फार्मर्स को लूटना उनका मेन पर्पज था। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। उस वक्त क्या थी, बहुत छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स थे। लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ लैंड दैट अ पर्सन और फैमिली होल्ड्स, यानी एक जमीन का टुकड़ा जो किसी भी आदमी या किसी भी फैमिली के पास है, कितना उसके पास जमीन है। तो ये जो चीज थी ना, बहुत स्मॉल छोटी थी, फ्रेगमेंटेड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में थी, यानी एक इंसान के पास एक छोटा सा ही लैंड हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े किले या फिर जो है बहुत बड़े बड़े हेक्टेयर्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि किसान बहुत गरीब हुआ करते थे उस वक्त। सो मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिकल एंड यील्ड्स लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। और जितनी भी लैंड होल्डिंग्स थी यानी जितनी भी जमीन पर क्रॉप्स उगाई जाती थी वो अनइकोनॉमिकल थी, यानी उन पे क्या होता था, खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। लो आउटपुट का मतलब है इतनी फसल नहीं होती थी जितनी की हाई कॉस्ट, जितना की खर्चा आ जाता था, तो बोला गया है अनइकोनॉमिकल, यानी बेनिफिट कम और कॉस्ट ज़्यादा।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अंडर द ब्रिटिश राज में किस टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बनाया था? जमींदारी सिस्टम बनाया था। और जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार को बोला कि भाई तुम आज से सॉइल की ओनर्स यानी मिट्टी यानी जो जमीन है उसके मालिक हो। कौन हो? जमींदार्स। और जमींदारों को इस चीज के बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता था? एक फिक्स्ड सम यानी कुछ फिक्स्ड अमाउंट था जो कि जमींदार किसको देते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको क्या आज़ादी दी थी? उनको इस बात की आज़ादी दी एक्सट्रैक्ट एज मच अमाउंट दे कुड कि जितना भी पैसा तुम फार्मर्स से निकलवा सकते हो रेंट के तौर पे तुम निकलवा लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम खुले आज़ाद हो एकदम। फिर क्या हुआ इसकी वजह से? क्या इम्प्लीकेशंस हुए, क्या इफेक्ट हुए इस चीज़ के? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स का बहुत शोषण होने लगा। जमींदार जो है एकदम दबा के पैसे लेने लगे उनसे। जो जितने भी टेलर्स थे यानी जो फार्मर्स थे वो सिर्फ लैंडलेस लेबर्स बन के रह गए। लैंडलेस यानी उनके पास जमीन तो थी नहीं, सिर्फ एक तरह से एक लेबर बनकर रह गए। और क्या हुआ? हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय टेलर्स यानी टेलर्स जो थे, जो फार्मर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा रेट देना पड़ रहा था लैंड रेवेन्यू का, यानी बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ रहा था जमींदार्स को। टिलर्स अर्निंग रिड्यूस्ड जस्ट टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। और पैसे दे दे के उनकी अर्निंग्स इतनी कम हो गई थी कि वो बस अपनी फैमिली का खाना पीना बस यही कर पाते थे और कुछ नहीं अफोर्ड कर पाते थे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो गया। इसका क्या मतलब है कमर्शियलाइजेशन का? शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू कल्टीवेशन फॉर मार्केट। यानी पहले का फार्मर्स क्या कल्टीवेट किया करते थे? सेल्फ कंजप्शन यानी खुद के लिए क्रॉप्स उगाया करते थे, बट अभी क्या हो गए हैं वो कल्टीवेशन फॉर मार्केट यानी मार्केट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उन्होंने क्रॉप्स उगाने शुरू कर दिए। तो फार्मर्स को क्या किया गया? फोर्स किया गया था, बहुत जोर दिया गया उनको और उनको बोला गया कि अब तुम क्या करोगे? कमर्शियल क्रॉप्स उगाओगे, इंडिगो उगाओगे। किसके लिए उगाओगे? ब्रिटिशर्स के लिए उगाओगे। अब तुम जो है सब्सिस्टेंस क्रॉप्स नहीं उगाओगे यानी खुद के कंजप्शन के लिए जो तुम आटा चावल सॉरी गेहूँ चावल उगा रहे थे वो नहीं उगाना है बल्कि अब इंडिगो उगाना है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिगो उगाने के लिए इतना जोर क्यों दे रही थी? उसका एक रीज़न है क्योंकि इंडिगो किसको चाहिए होता था? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यानी ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंडिगो की जरूरत होती थी। वहां पे उनको कपड़े डाई करने होते थे जिसकी वजह से वो इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे कि भाई अब से ये गेहूं चावल छोड़ो और इंडिगो उगाओ। और फार्मर्स को या तो ल्यूड यानी लालच दिया जाता था, अगर कोई लालच में ना आए तो उसको फोर्स किया जाता था, जबरदस्ती बोला जाता था एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो यानी इंडिगो उगाओ और इसके लिए एडवांस में ये पेमेंट रखो, एडवांस में पैसे रखो और जब पैसे ले लिए तो भाई उगाना ही पड़ेगा उनके लिए इंडिगो। उससे क्या हुआ? जो फार्मर्स थे पहले वो ग्रेन्स यानी क्रॉप्स वगैरह उगाया करते थे अपने कंजप्शन के लिए, अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए, बट अब क्या होता था उनको कैश यानी पैसे की जरूरत पड़ती थी मार्केट से ये सब खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो लोग उगा नहीं पा रहे हैं ना, गेहूं और चावल नहीं उगा पा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं वो? अब तो इंडिगो उगा रहे हैं तो गेहूं चावल कहाँ से आएगा, उनको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। बट उनके पास इतना कैश इतना पैसा हुआ ही नहीं करता था कि वो जाके ये सब चीज़ें खरीद ले, तो बेचारे बस पिसते ही रहते थे। सबकी वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।